नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कनाडा जाना चाहते हैं, लेकिन यार आंखें बंद करके फाइल लगाने वाला काम मत करो। छोटी मिस्टेक भी आपको रिफ्यूज़ल दिलवा सकती है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक्स आप जो कर रहे हो ना। अब मैं सीरियसली यार, इस जिस बंदे ने भी ये फाइल लगाई ना, मैं एक बंदे के आपके साथ आज फाइल शेयर कर रहा हूँ, ठीक है जी। जिस बंदे ने ये फाइल लगाई ना, आप खुद देखोगे भी यार कितनी बड़ी मिस्टेक्स कर रखी हैं, ठीक है जी। बेसिकली मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी कि ठीक है, मार्केट में फ्रॉड चल रहा है तो आप लोग खुद से फाइल लगा सकते हो, लेकिन ये खुद से भी लगाने वाली गलती कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। भाई वो वीडियोस मैंने उन लोगों के लिए बनाई हैं जिन्होंने पहले कभी अपना ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ट्राई किया हो, या एटलीस्ट इस लाइन में या फाइल्स अप्लाई करने में कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ नॉलेज हो। जिन बंदों को एक भी चीज़ की नॉलेज नहीं है भी क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कहाँ से रेडी करवाने हैं, कितनी अमाउंट होती है, कितना बैंक बैलेंस है, जो भी बेसिक सी चीज़ें होती है, अगर उनकी भी नॉलेज नहीं है ना, तो भाई आप लोग फाइल किसी एजेंट से लगवा लो। हाँ, उसमें क्या करना है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपकी फ़ाइल में डॉक्यूमेंट्स लग रहे वो जेन्युइन हो। आप जिस एजेंट से फाइल लगवा रहे हो उससे पहले ही क्लियर करके चलो कि जो भी मेरी फाइल सबमिट करेगा भी मेरे को फाइल पहले चेक करवानी पड़ेगी, ठीक है जी। अदरवाइज बाजार में हज़ारों एजेंट्स बैठे हैं, आप किसी के पास भी आओ, एक बंदा मना करेगा भी हम फाइल नहीं दिखा सकते, दूसरे के पास चले जाओ, तीसरे के पास चले जाओ। अगर नहीं कुछ समझ आ रही तो मेरे से हेल्प ले लो, मेरे को कोई इशू नहीं है। मैंने अभी जिनकी मैं आपको फाइल दिखा रहा हूँ आज, उनकी मैंने फाइल, आज ही ये वीडियो बन रही है, आज ही ये फाइल मैं सबमिट उनकी खुद से सारी फाइल रेडी करके, अभी मैं किसी का डाटा नहीं शेयर कर सकता, ठीक है जी। अदरवाइज़ मैं आपको फाइल भी दिखाता, मैंने उनकी सारी फाइल खुद से रेडी की है। क्लाइंट भी थोड़ी देर में मेरे पास आ रहा है, उनको पूरी फाइल चेक करवा के, पूरी की पूरी फाइल चेक करवा के उसके बाद वो फाइल सबमिट करेंगे, खुद अपने हैंड से पेमेंट करेंगे, ठीक है जी। अभी आपको दो तीन चीज़ें दिखाता हूँ। वीडियो को लाइक करना नहीं करना आपके ऊपर है, मैं ये नहीं कहता कि आप लाइक करो, ये सिर्फ आपको इसलिए बोलता हूँ लाइक या सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि आने वाली वीडियोस में भी आपको अपडेट्स मिलते रहे, तो आपको नोटिफिकेशन आती रहें। अभी सबसे पहला स्क्रीनशॉट आप देखो, आपने इजीली एक सिंपल एप्लीकेशन का फैमिली फॉर्म है ये, ठीक है जी। फैमिली फॉर्म में नाम के नीचे यहाँ पे देख सकते हो आप, जो कॉलम्स है डेट ऑफ बर्थ के नीचे कंट्री ऑफ बर्थ है, ठीक है जी। वहाँ पे इंडिया फिल ही नहीं किया, मार्शल स्टेटस सिंगल है, ये पुरानी फाइल है, ठीक है जी। ये लेटेस्ट फॉर्म नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूँ, ये पुराना फॉर्म है क्योंकि ये क्लाइंट आज से 2-3 साल पहले रिफ्यूज़ हुआ था। लेकिन गलती देखो, अभी यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो प्रेजेंट एड्रेस और नीचे वाले कॉलम में प्रेजेंट ऑक्यूपेशन है, ड्रेस वाले में ऑक्यूपेशन डालिए, नीचे वाला कॉलम ही छोड़ दिया, और बाकी का सारा फॉर्म भी देख सकते हो कैसे पूरी फाइल का जुलूस निकाल दिया। अच्छी फाइल का, अच्छे इनकी सोर्स ऑफ इनकम थे, अच्छे फंड्स हैं, प्रॉपर्टी तक इनके पास थी, बैंक अकाउंट में बैलेंस भी अच्छा था, ITR वगैरह भी अच्छी भरते हैं, सारी फाइल अच्छी थी, लेकिन फाइल का जुलूस निकाल के रख दिया, ठीक है जी। अभी ये तो होगी फैमिली फॉर्म का जो जुलूस निकला है। अभी इसके साथ देखो एप्लीकेशन फॉर्म में कितनी बड़ी गलती कर दी, अगर वीज़ा आ भी जाता ना तो ये ट्रैवल नहीं कर पाते। इनका पासपोर्ट पे जो नेम है वो है जसकरण कुमार इकट्ठा है, ठीक है जी। पूरा जो जसकरण कुमार सिंगल साइड पे है, ऊपर नीचे मतलब हाफ हाफ नहीं है, तो एक ही कॉलम जो फुल नेम फैमिली फॉर्म में वहीं पे जसकरण आता है, गिवन नेम में नहीं आता है। अगर इनका जसकरण और कुमार अलग अलग होता तो जसकरण गिवन नेम में एज पर पासपोर्ट, और फैमिली नेम में लास्ट नेम जो अपने पासपोर्ट होता है कुमार वो आता। अभी यहाँ पे दोनों नाम भर दिए, तो ये भी इतनी बड़ी गलती, अगर वीज़ा आ जाता ना तो पासपोर्ट पे दो नाम आते कि जसकरण कुमार एक ही बंदा है, मतलब दो बार नाम आता है, ठीक है जी। तो पासपोर्ट पे तो नाम है ही नहीं, तो ये ट्रैवल भी नहीं कर पाते, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी। और उससे सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ज़्यादा ये देखो, जो इनकी एजुकेशन कॉलम है उसको भी इसने नो कर रखा है, जबकि ये बंदा खुद बैचलर डिग्री पास आउट है, ठीक है जी। इतनी बड़ी गलती कर दी आज की डेट में, जो मैंने फाइल लगाई है, अभी मैं इसमें एजुकेशन डालूंगा तो डाटा मिसरिप्रेजेंट है, तो उसमें फिर से फंसते हैं, तो ऐसी डाटा मिसरिप्रेजेंट के चक्कर में 5 साल का बैन भी लग सकता है। इसके आगे सबसे बड़ी गलती देखो, जो इनकी स्पॉन्सर लेटर है, अभी वो मैं दिखा नहीं सकता आपको, ठीक है जी। स्पॉन्सर लेटर में एजेंट ने एक बार भी क्लाइंट को नहीं बोला कि सर जो इनविटेशन लेटर है उसके साथ क्लाइंट का उसका सिन कार्ड हो, उसका ड्राइविंग लाइसेंस हो, या उसकी बैंक स्टेटमेंट हो, या जो भी जहाँ पे भी रहता है कोई सोर्स ऑफ इनकम, मतलब एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स उसने कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ इनविटेशन लेटर के साथ उस बंदे का सिर्फ एक ड्राइविंग लाइसेंस था जो उसने सिर्फ लगा दिया, ठीक है जी। और उससे बड़ी गलती ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये कवर लेटर है जिसको एक्सप्लेनेशन लेटर लिख के और कोई हेलो हाय डियर कंसल्टेंट या कैनेडा वैसे कुछ नहीं, सीधा सीधा ये कवर लेटर लिखी, आप देख सकते हो मतलब पूरी फाइल का क्या जुलूस निकाल कर रखा है। सो दोस्तों ये गलती मत करो,
आपको अगर फ़ाइल लगवानी है तो किसी अच्छे कंसल्टेंट से लगवा लो, बस उसको बोलो कि मैं जब फाइल आप लगाओगे मैं वो पूरी फाइल चेक करना चाहता हूँ सबमिट करने से पहले जो फाइनल डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, ठीक है जी। अगर पॉसिबल है ठीक है, नहीं तो किसी और ऑफिस से लगवा लो, दूसरा नहीं मानेगा तीसरे से लगवा लो, तीसरा नहीं मानेगा चौथे से लगवा लो। हज़ारों एजेंट्स बैठे हैं अभी, तो आप एक दो तीन चार ही गिनती गिरी है, हज़ारों एजेंट्स बैठे हैं। अगर वहाँ से कुछ नहीं सॉर्ट आउट हो रहा तो मेरी कुछ हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे है, आप वहाँ से भी मेरी हेल्प ले सकते हो। सो रिक्वेस्ट है, छोटी सी मिस्टेक तो होती है तब रिफ्यूज़ल आ जाती है, इतना बड़ा फाइल का जो जुलूस निकला उस पर तो सोचो आपकी फाइल का क्या हाल होगा। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही छोटी सी अपडेट थी, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखें। आने वाले दिनों में आपको ऐसी अपडेट्स और मिलती रहेंगी, सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।